अपनी शादी पे इंसान या तो बहुत गमगीन होता है या फिर उसके दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं। इसी चक्कर में अपने ही वलीमे का खाना निकल जाता है। इसीलिए आज आपको खिलाएंगे आपके वलीमे का खाना, जो कि आप खुद भी खा सकते हैं लाहौर ब्रांच रोड पे मौजूद वलीमा हाउस से। लाहौर की मशरूफ तरीन मार्केट में मौजूद इस रेस्टोरेंट पे खाना आपको मिलता है सिर्फ दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान। वजह यह है कि वलीमे का खाना कोई भी नहीं छोड़ता, लेकिन एक मसला है, यहाँ आपको खाना पैसे दे के खाना पड़ेगा। तो जेब हल्की करने के लिए तैयार हो जाओ और लोकेशन को ध्यान से समझो। सामने जा रही है ब्रांच रोड है, ब्रांच रोड से आएंगे रहमान गली नंबर 2 के अंदर, आपके आगे आगे आपके लेफ्ट साइड पे आएगा वो लिखी है वलीमा हाउस, ये ऐसे बोर्ड भी लगा हुआ है वलीमा हाउस, ये पॉइंट है जी, इनके पास चलते हैं। आपका नाम? आतिफ। आतिफ भट्ट साहब जी जी। हाँ, मुझे नाम आपका कच्चा पक्का था, मैं पूछ रहा हूँ फिर जी। अच्छा, ये आपका कितना पुराना है? मुझे काफ़ी देर से लोग कह रहे हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। सर ये कोई 60 साल पुराना है, 60 साल से भी ज़्यादा ही होगा। अच्छा, ठीक है, पुराना, पहले वालिद साहब करते थे, उसके बाद फिर नया। अच्छा, तो ये वलीमा उस नाम को रखा आपने? असल में यहाँ पे जो खाने हैं ना जी, वो सारे पहले जैसे वलीमे होते थे उस तरह के खाने होते थे। अब तो नहीं होते, अब तो सिंगल डिश अलग, तो सिंगल डिश अलग है, पुराने जमाने की बात है। अच्छा, क्या क्या होता है आपके पास? मेरे पास आज आप आए हैं बुध वाले दिन, माफ आज तो चिकन होगा, मैं आज के लिए नहीं, कोई मसला नहीं। वैसे मटन स्टीम रोस्ट होता है। अच्छा, जो कि आज नहीं है, ठीक है। आज पालक मुर्गा होगा देसी। अच्छा, आलू कीमा मटन होगा, उसके अलावा कोरमा होगा देसी चिकन का, ठीक है। बिरयानी है चिकन अपना देसी, उसकी मटन की बिरयानी, मटन बिरयानी। अच्छा, ये जो जैसा आप कह रहे हैं कि आज बहुत ज़्यादा मटन नहीं होगा, लेकिन आज कल कुछ कुछ चीज़ों के अंदर मटन है, तो वो आपने पहले से ले लिया होता है ज़्यादा? जी जी, पहले पहले रख के उसको ज़रा स्पेयर कर लेते हैं। अच्छा, शुरू 60 साल 65 साल पहले इसी तरह चलता आ रहा है। अच्छा, बुध वाले दिन बिरयानी में मटन और बाकी चीज़ों में चिकन होता है। अच्छा, या आलू कीमा वो स्पेयर रख लेते हैं। किस टाइम खुलते हैं आप? ये सुबह कोई 11:30-12 बजे स्टार्ट करते हैं। और खत्म कब होता है? क्या 3 बजे तक? 2-3 घंटे का टाइम है आजकल, जरा कुछ हालात इस तरह के बने हैं, 3 घंटे हो गया है, 3-3.5 घंटे, वरना 2 घंटे। मैंने सुना था इनके बारे में कि 12 बजे आते हैं और 2 बजे अल्लाह हाफिज़ हो जाता है, खत्म। काफ़ी चीज़ें अंदर से ख़त्म हो जाती हैं 2-2.5 बजे। असल में पूरी मार्केट ऐसी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना कारोबारी हज़रात बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे खाने को सस्ते नहीं है, मैंने सुना है। तो ये अफोर्ड कर लेते हैं यहाँ के लोग और वो खा भी लेते हैं, यहाँ पे बड़ा मसला रश लगा रहता है। मेरे वालिद साहब कहते थे कि ये गोश्तखोरों की दुकान है, यहाँ पे आते ही वही है जिसने मटन खाना। सही बात है। ये जो कबाब है शामी कबाब, ये भी मटन के? अच्छा, ये मटन का कबाब है, ठीक हो गया। और ये उसके अलावा ये चिकन है आज, ये सर इसमें देसी मुर्गा, चिकन देसी मुर्गा पालक, ठीक है। ये देसी मुर्गा वो आप पट्टा लेते हैं? जी जी। और पक्का देसी मुर्गा है या गोल्डन शोल्डन तो नहीं? शर्तन पक्का, कंफर्म? जी जी, चलो कंफर्म जन्नती है, अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। अच्छा, ये है जी आलू कीमा, ये भी मटन का कीमा? जी जी, ये वही जो आपने स्पेयर लिया था उससे बनाते हैं, ये दाल माश है। अच्छा, ये दाल माश थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की है, वैसे दाल माश खड़ी खड़ी बनाते हैं, आज जरा नरम होगी, आज नरम होगी, चलो कोई नहीं। और ये जी ज़रदा है, ठीक हो गया। अच्छा, ये ज़रदा। अच्छा, इसमें आपने वो मेवे मतंजन वाले रखे हुए हैं? जी जी, पर वो मतंजन में मटन वगैरह होता है या चिकन होता है वो नहीं है इसमें? ठीक है ठीक है, खोया शोया भी नहीं डाला? नहीं, खोया डाला होता, डाला हुआ मलाई होती है इसमें। सही, माशाल्लाह, ठीक हो गया। ये कोरमा है देसी मुर्गे का, ठीक हो गया, पीस आज नहीं है सोने। और ये बिरयानी है, ये जी मटन की बिरयानी, ठीक हो गया। ये जो मटन की बिरयानी होती है, इसमें आप जो प्लेट देते हैं उस पर कितनी बोटियाँ डालते हैं? 2 बोटियाँ। तो अपनी मर्जी की डलवा सकते हैं या आप अपनी मर्जी की? होती 2 किस्म की है, एक सीने की और एक चाँप की। अच्छा, एक बार मुझे बता दें, आपके पास इतना कुछ है सारा कुछ? अब हम अगर टोटल 2 बंदे भी हैं यहाँ पे तो सारा कुछ नहीं हम खा सकते जी जी, हम सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ट्राई करेंगे आप, ठीक हो? वो आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या ट्राई करना चाहिए? मैं आपको बिरयानी पालक और चिकन कोरमा, बिरयानी और ये पालक, पालक और चिकन कोरमा, और ये कबाब बिरयानी के ऊपर रख देंगे। लेकिन वो जर्दे के ऊपर पालक डालिए ना, वो भी मैंने ट्राई करनी है यार। एक बंदे अभी अभी एक प्लेट बनी है यहाँ पे, वो जर्दे के ऊपर पालक डाल के चले गए, वो भी ट्राई करते हैं, बना दें आप हमारे बैठे तो शिव, ठीक।
अच्छा यार, हमारे साथ पूरा एक खाना मंगवा लिया, हम तीन चार बंदे हैं, हम सारा खाएंगे इंशाल्लाह। ये मैं आपको बता दूँ क्या क्या, ये है इनकी मटन बिरयानी, ये इनकी मटन बिरयानी है, और इसमें मज़े की बात है कि इन्होंने नली के साथ दी है, इसको भी इंशाल्लाह निकालते हैं इसमें से। और ये जो है ना, ये हमारे पास है देसी मुर्गा, और उसके उन्होंने लत का पीस दिया है हमें, देसी मुर्गे की लत। और हमारे पास ये है जी आलू कीमा, ये देखो। अच्छा, इसमें मज़े की बात है, जो कीमा बना हुआ है ना, ये हाथ का कीमा है, ये वो बिल्कुल बारीक वाला पाउडर वाला कीमा नहीं है। इसमें आपको गोश्त की, इसमें आपको गोश्त की भी फील आती है और कीमे की भी फील आती है, तो ये बड़ा अच्छा होता है, मतलब अच्छे ताकतवर जो कीमा होता है ना, वो हाथ वाला कीमा होता है। ये है जी इनकी चिकन पालक, आज वैसे मटन पालक होती है, आज जो है चूहे बुध का दिन है, इसलिए चिकन पालक मिलेगी। ये भी एक वैरायटी है, अगर आपने किसी का देसी मुर्गा ट्राई करना हो तो आप, जिनके पास मटन मिलता है, अगर आपने उनका देसी मुर्गा भी ट्राई करना हो तो आप मंगल बुध वाले दिन आगे वो भी ट्राई कर सकते हैं, तो इसलिए हम आज मंगल बुध को भी आए हैं। और ये जो है ना, ये कबाब है इनके, ये स्पेशल कबाब है मटन के, ये बड़ी कमाल चीज़ है यार, मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना वो इसको ट्राई करने के लिए, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसको ट्राई करूँगा एंड पे। पहले जो है ना, रोटी ठंडी ना हो जाए, इसलिए रोटी को यहाँ से लेते हैं और अपने आगे से पहले देसी मुर्गे से शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये है वो हार्ड है, या तो ये वाकई देसी मुर्गा है या फिर मुझे विटामिन की कमी हो गई है। ओए 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 ओए, स्वाद है बहुत आला, ये चेक करो, ये बिस्मिल्लाह, इसको डिप करते हैं। अच्छा, इसको ऐसे खाने का मज़ा आएगा नान के साथ, लेकिन चूँकि रोटी है इसलिए इसको ऐसे ही डिप करते जाएंगे। और ये ऐसे बिस्मिल्लाह ही वाला बारे करते हैं, यार क्या फ्लेवर है यार, मैं शोरबा ट्राई करना चाह रहा हूँ सर। ओए होए, बहुत आला यार, कमाल यखनी वाली फ्लेवर, यखनी वाली वाइब आ रही है, कमाल बहुत आला, हल्के मसालों के साथ, हल्के घी के साथ, बड़ा कमाल की यखनी बनी हुई आ रही है, बहुत आला यार। इसको सही खाने का मज़ा आएगा नान के साथ, लेकिन क्योंकि रोटी का टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पर इसलिए रोटी मिल रही है, और उससे नान भी मिलते हैं, मैंने पता नहीं किया। अब आ गया है आलू कीमा, इसको आलू कीमे को ट्राई करते हैं। दिस इज़ आलू कीमा, आलू कीमा भी मटन का है। यार इसमें दालचीनी का और बड़ी इलायची का फ्लेवर आ रहा है ना, वो बड़ा कमाल गया यार, पता नहीं देसी कीमा बना हुआ शायद, ज़रा कॉल पर मैं पता करता हूँ। आते भाई, ये देसी कीमे तो नहीं बनाया हुआ कुछ, सारा कुछ देसी कीमे है, ये आलू कीमा देसी कीमे है, दस हज़ार देना था मैं, बहुत आला यार, मैं एक और बाइट लूँगा यार, आलू कीमा बड़ा मजे का, बहुत आला यार, बड़े कमाल का खाना। ये ना थोड़ा महंगा है, लेकिन पैसे पूरे कर रहे अपने, इसमें ना बड़ी इलायची का, दालचीनी ना हल्का सा फ्लेवर है, वो बड़ा मज़े का लग रहा है, और कीमा क्योंकि हाथ का है, चबाने का कोई मज़ा आ रहा है। एक और चीज़ अच्छी बात यह है कि कीमे के अंदर ना पल्ले नहीं है, जो पल्लों का कीमा होता है ना उसमें चर्बी होती है, वो चबाने में ना आपको वो चूही होता है बहुत, तो आपको अच्छे से जब चिंगम टाइप बन जाता है, तो जब आपके मुँह में आ जाना तो आपके सारा फ्लेवर ख़राब हो जाता है, इसमें वो चीज़ नहीं है। ये बहुत अच्छा कीमा बना हुआ है, और आलू छोटे छोटे साइज़ के हैं ताकि कीमे का फ्लेवर ख़राब ना हो, और हल्का सा अपना आलू अपना फ्लेवर देता है इसके अंदर। ये है जी इनकी पालक। अच्छा, ये खाने वो वलीमे हाउस वाले बता रहे थे खाने, क्योंकि पहले ना वलीमे पे ये खाने मिलते थे, वलीमे पे पालक, मटन पालक, अभी भी खैर चलता है, ऐसा नहीं है, बिरयानी थोड़ी कम हो गई है, बिरयानी पालक मतंजन जर्दा इस तरह की चीज़ें चलती हैं, अभी भी चलती हैं, ये पुराने वलीमे पे खैर कुछ ज़्यादा चलती होंगी, मैं इतना पुराना भी नहीं हूँ। ये पालक ट्राई करते हैं जी, इसमें यार बहुत आला, मेरे बहुत कमाल की पालक है, लेकिन ये जो फ्लेवर है ना इसका, असली ख़ानदानी जो असली और ख़ानदानी पालक पकी होती है ना, ये वो है, बहुत कमाल, मुझे इस तरह की पालक मार्केट में कभी भी नहीं मिली। ये वो फ्लेवर है जो हमारी नानियाँ दादियाँ घरों पे बनाती थी, और अब ये फ्लेवर ना बहुत ज़्यादा नापैद हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, ओवरऑल इसको घोटा नहीं लगा हुआ, ये उन्होंने ग्राइंड की पालक, अगर इसको घोटा लगा होता ना यार, घोटा लगा हुआ दाल घोटा लगी हुई पालक ना डेली बनाना बड़ा बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर इसको घोटा लगा होता ना तो भाई ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ थी। देखो ये ग्राइंड हुई है पालक ना, लेकिन वाह जो फ्लेवर है इसका, वो कमाल, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना मज़ेदार फ्लेवर है ना, ये एक अजीब सा टच आ रहा है इसके अंदर, इसमें मटन ना भी डालें तो भी कमाल है, अगर इसमें मटन डाल जाए तो बहुत ही कमाल है। बिरयानी ट्राई करते हैं यार, ये देखो आसानी है ना, ये घुमा दो उसको, थाल को घुमा दो, ये लो लो जी बिरयानी, बिरयानी हमारे सामने आ गई यार, बिरयानी की एक शक्ल देख लो, ऐसे
ये बिरयानी है, इसके अंदर जी यहाँ पे हम आपको मिलेगी ये चांपे, और ये साथ में उन्होंने नली डाल के दी, पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन ये डाल दी उन्होंने जो चांपी है। इसको ट्राई करते पहले सिंपल, फिर इसी बनाएंगे इंशाल्लाह ऑप्टिमम बाइट। इस वीडियो में मैं आखिरी दफ़ा बोल रहा हूँ, लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट। इसके बाद आज की बात से जितनी भी वीडियो आएंगी आप लोगों ने बोलना है, खुद से ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करनी है और आपने एक बाइट बनानी है या बनानी या नहीं बनानी, लेकिन आपने बोलना है नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट, और ये बना के आपने वीडियो ऐसे वर्टिकल एंगल में, और वहाँ पे जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी वीडियोज़ यहाँ पे आया करेंगी। आप अपनी एंट्रीज जो है ना मुझे ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, business.halalblogger@gmail.com, इस पर अपनी एंट्रीज भेजना शुरू कर दें। पहले सिंपल बाइट लेते हैं, सिंपल ही बोटी वाली होगी, अच्छी सिंपल चावल नहीं, यहाँ से लेंगे थोड़ी सी, यार ये गोश्त चेक करो, इनके अंदर जो गोश्त है ना ये भी बहुत आला, ओह यहाँ से लेंगे बोटी, और ये थोड़े से लेंगे चावल, चावलों के अंदर ना छोटी इलायची का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा है, और दालचीनी का, और हल्का सा फ्लेवर जो है ना बादिया खताई का और लौंग का भी आ रहा है, मतलब खड़े मसाले जो होते हैं ना उनका फ्लेवर जैसे ज़्यादा, लेकिन असल इसका मज़ा आपको ऐसे आएगा। नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट। ये भाईजान ये यहाँ से लेंगे थोड़ी सी पालक, इसको डालेंगे इस बिरयानी के ऊपर, दिस इज दी ऑप्टिमम बाइट, यहाँ अब बनेगी ऑप्टिमम बाइट, यहाँ से लेंगे ये, इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स, और ये दिस इज दी ऑप्टिमम बाइट ऑफ वलीमा हाउस की चिकन पालक वाली मटन बिरयानी। यार अगर आपने चावल खाना नहीं बोले तो आपने ऐसे ही खाना है, लेकिन जो असल जो आज असल मज़ा कराया ना चीज़ ने वो ये पालक है, पालक बहुत अंडर भाई, ये पालक का देसी मुर्गा और मटन, ये आलू कीमा बहुत आला यार, बिरयानी में जो बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं लगी लेकिन ओवरऑल खाने बहुत आला है। एक कबाब है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, ये मटन का कबाब है, चाहे मटन का कीमा जो है ना सब पीस दिया हुआ इन्होंने, अंदर पूरा पेस्ट बन गया है लेकिन फ्लेवर बहुत आला है, देखो अंदर से ना कबाब जो है ना पूरा पिस गया हुआ है, पूरा पेस्ट बना हुआ है इसका, देखो लेकिन जो इसका फ्लेवर आ रहा है ना इसमें कुछ भी इसका टेक्सचर बिल्कुल भी कोई नहीं है, टोटल मुंह में जाके ही पेस्ट बन जाता है, लेकिन फ्लेवर बहुत आला है, चने की दाल और मटन का कीमा बहुत आला यार। ये जो है ना इनके पास स्वीट में अगर आप डिज़र्ट या ट्राई करना ना खाना खाने के बाद, मटन खाने के बाद ज़रदा बनता समझ में आती बात, और ये जो है ना ज़रदा है इनका, और इसके अंदर जो है ना ये अच्छे नीचे वाली खुरचन वाले चावल हैं बड़े मीठे मीठे थे, इसको ट्राई करते हैं, अरे क्या आलू भरा यार बहुत अलग। अच्छा इसमें एक वैरायटी है जो मैंने लगवाई है, वो इसमें से लगवाई क्योंकि यहाँ पे किस्मत नहीं किया था, तो उसने गुड़ वाले जो चावल जो जो ज़रदा था उसके ऊपर उसने पालक डलवाई थोड़ी सी, तो मैं थोड़ी सी पालक जो है ना साथ देता हूँ, ये पालक तो थोड़ी ज़रदे से मिक्स करते हैं, कुछ लोगों को बड़ा शौक है खाने का, कुछ लोग ज़रदे के ऊपर कोरमा डाल के भी खाते हैं, बहुत मज़े का बनता है वो, लेकिन इसको ट्राई करते हैं इसमें, असल में ना जो ज़रदा है ना उसका फ्लेवर ही बहुत कमाल का, पालक का हल्का सा फ्लेवर आया, हल्का सा टच आया, लेकिन जो ज़रदा है बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, बहुत मज़े का ज़रदा है यार ये। अगर आप यहाँ पे आते हैं आपने जो खाने हैं चीज़ें यहाँ से बिरयानी के अलावा सब कुछ खा सकते हैं, बिरयानी मुझे पसंद नहीं, हो सकता आपको पसंद आ जाए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जी पालक है, मटन कीमा है, और ये ज़रदा है, मटन पालक है, और साथ में जो उनका देसी मुर्गा था बहुत आला यार, मटन स्टीम रोस्ट होता है जो वो आधा किलो का पीस है 2200 रुपये का, पाव वाला है 1100 का, उसके बाद पालक गोश्त है फुल प्लेट 1600 की, आप प्लेट 800 की, इसी तरह कोरमा भी 1600 और 800, बिरयानी 800 और 400, और आलू कीमा होता है फुल प्लेट है वो 1400 की और आप प्लेट 700 की, छोटा कीमा देसी की सारे सामान में, और इसके अलावा ज़रदा होता है 500 रुपये की प्लेट 250 की, आपको ओजरी कलेजी भी होती है मंगल बुध के अलावा 600 रुपये की प्लेट है वो मंगल और बुध के अलावा। हाँ जी अगर आप इसलिए ट्राई करेंगे जब भी आप यहाँ पे आए तो आपने ये चीज़ें लाजमी ट्राई करनी है, अगर आपने अब तक ट्राई नहीं की, बहुत पुराना ये पॉइंट है यहाँ पे अक्सर लोग इस वजह से नहीं आ पाते क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, मार्केट के अंदर ही बैठे हुए और मार्केट के ही सारे लोग इसको ख़त्म कर देते हैं खा खा के, इतना मसला चलता है,
तो अभी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करें, चलो आपसे मुलाकात करें अगली वीडियो के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले वीडियो फौरन देख लिया करें, कल तो ना पाया करो ताकि मेहरबानी। दिस इज माय इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम। आपसे कब से होती है मुलाकात होती है, लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत कुछ होता है इंस्टाग्राम के ऊपर। आपसे मुलाकात करनी चलो अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।